हेलो हाय वेलकम और नमस्ते, मैं हूँ चंदन फ्रॉम मेहता टूल्स और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे डिवाइस के बारे में जो 360 डिग्रीज में वीडियो ले लेता है, 360 डिग्रीज और फोटोग्राफी भी करता है। सो प्रोडक्ट का नाम है जेमलाइट बॉक्स 360 और कंपनी का नाम है पिकअप मीडिया विच इज एन ऑस्ट्रेलियन ब्रांड। और इस वीडियो में क्या क्या इसके बॉक्स में आता है, कैसे इस बॉक्स को यूज करते हैं और इसके रिजल्ट्स कैसे हैं, सब कुछ बताऊंगा इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बॉक्स में आता है कुछ अटैचमेंट्स, जैसे कि ये सारे अटैचमेंट्स आते हैं बॉक्स में, साथ ही साथ इसका अडैप्टर, एक क्लीनिंग क्लॉथ और एक टर्न टेबल, जो इसके अंदर टर्न टेबल है जो 360 डिग्री घूमने वाला है वो आता है। ये सब कुछ आता है बॉक्स के अंदर और एक यूजर गाइड मैनुअल, गाइड तो मैं भी करूंगा, तो ये सब कुछ आता है इस बॉक्स में जब आप जेमलाइट बॉक्स को खरीदते हैं। साथ ही साथ अब इसमें कैसे मतलब कैसे यूज करते हैं इस बॉक्स को और हमारा जो आउटपुट है वो कैसा है वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉक्स को यूज कैसे करते हैं, उसके कुछ फीचर्स है अगर आप देख सकते हैं तो इसमें दो लाइटिंग के ऑप्शन दिए गए, स्पार्कलिंग लाइट और डे लाइट। तो स्पार्कलिंग लाइट हमें हमारी ज्वेलरी के स्टोन के ऊपर एक नेचुरल स्पार्कल देता है, सो आपको कुछ भी एडिटिंग या फिल्टर्स में वैसे चमक दिखाने की जरूरत नहीं है, ये नेचुरली चमक दिखाएगा आपके ज्वेलरी में। और डे लाइट इफेक्ट जो है वो एक वार्म येलो लाइट है, विच ऑल्सो डिपेंड्स कि आपको क्या शूट करना, तो येलो लाइट एक एडिशनल लाइट भी है जो आपको काम आ सकती है। बॉक्स के लेफ्ट साइड में मतलब मेरे लेफ्ट साइड में एक ऑन एंड ऑफ बटन है, वो ऑन एंड ऑफ बटन से हम हमारे बॉक्स को ऑपरेट करेंगे ऑफकोर्स। और ये है वायर अडैप्टर जो हमारे बॉक्स में लगेगा यहां पर। सो ये है बेसिक बॉक्स का डिस्क्रिप्शन। और साथ ही साथ एक और चीज अभी बता देता हूं कि ये जो इसका लिड है ये निकल सकता है, ये मैग्नेट पे है। इसका क्या यूज है कि अगर आप शूट कर रहे हैं, कोई फ्लैट ज्वेलरी आपने टर्न टेबल पे रखा है तो आप यहां पे भी कैमरा रख के वीडियो निकाल सकते हैं, फोटो कर खींच सकते हैं। अगर आपको ये छोटा पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, ये पूरा का पूरा लिड डिसमेंटल हो सकता है, तो यहां पर भी आप रख के DSLR हो कोई भी स्मार्टफोन हो रख के आप सीधे अपना वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कर सकते हैं। बॉक्स में ये रिफ्लेक्टर पैनल भी आता है, ये रिफ्लेक्टर पैनल ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आपको इसको लगा के ही फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करनी है, नहीं कोई जरूरत है, कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है। आप इसको निकाल के इस तरह से भी रख सकते हैं और इस तरह से मतलब स्ट्रेट ऐसे भी रख सकते हैं, और साथ ही साथ आप चाहिए तो निकाल के साइड में रख दीजिए और वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर लीजिए। सो इट इज कंप्लीटली फ्लेक्सिबल। अब फॉर द डेमो पर्पस मैंने एक रिंग निकाल के रखी है मेरे पास एक ज्वेलरी शूट करने के लिए, और एज यू नो ऑफ कोर्स मेरे पास मेरा स्मार्टफोन है जिससे मैं शूटिंग करने वाला हूं। हमें करना क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल में जेमलाइट बॉक्स का ऐप डाउनलोड करना है, एक अकाउंट बनाना है लॉग इन आईडी और पासवर्ड बनाकर, और आपका प्रोफाइल रेडी। आप इसके बाद में जो भी आपको चाहिए, आप इसके अंदर अपने जितने भी ज्वेलरीज के वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की हुई है वो आप स्टोर कर सकते हो। अब जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, जेमलाइट बॉक्स का ऐप मैं ओपन करूंगा, मैंने प्रोफाइल बनाकर रखी है और ब्लूटूथ से मैं अपने बॉक्स को कनेक्ट कर दूंगा। इसमें दिखा नहीं रहा, क्यों, क्योंकि हमने यहां पे ऑन बटन प्रेस नहीं किया। ये जैसे मैं ऑन बटन प्रेस करूंगा अब आप देखेंगे हमारा बॉक्स चालू हो गया और यहां पे आ गया इंडिकेशन। ऑन करते ही मशीन स्कैन करेगा, ऐप स्कैन करेगा मशीन को और जेमलाइट बॉक्स दिखा देगा, नाम लिखा हुआ आएगा जेमलाइट बॉक्स, आप क्लिक करेंगे, टिक मार्क इंडिकेट्स कि आपका बॉक्स अपने ऐप के साथ ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया है। एंड ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होने के बाद आप इस रिफ्लेक्टर पैनल को निकालिए, अपनी ज्वेलरी जो है उसको टर्न टेबल पे प्लेस कीजिए। अब प्लेसिंग के वक्त आपको टर्न टेबल के ऊपर एक सेंटर मार्क दिया रहता है जो इनविजिबल है, बेरली विजिबल है, सो आप उसके ऊपर सेंटर प्रॉपरली प्लेस कीजिए और उसको फिर लिड को बंद कर दीजिए रिफ्लेक्टर पैनल को। अब आप एग्जैक्ट सेंटर पे अगर आपको चाहिए तो आप यहां पे ऊपर देखकर उसका सेंटर एग्जैक्ट पकड़ सकते हैं एंड वी आर डन। ये हो गया आसानी, ये होता है हैक, हैक होता है ये हैक। सो अब ये भी एक बॉक्स में साथ में आता है जिस ये एक्चुअली एक मोबाइल होल्डर है। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसके अंदर एंगल्स के बहुत सारे खांचे दिए हुए हैं,
आपको जैसे भी रखना है, ये आपको ऐसे रखना है या ऐसे रखना है या ऐसे रखना, मतलब जो भी एंगल में रखना है, एंगल्स के भी बहुत सारे 60, 68, 75, 90 डिग्रीज, ऐसे आप कैसे भी चाहिए आप ऐसे कैसे भी पकड़ के आप शूटिंग कर सकते हैं। तो इट इज कंप्लीटली फ्लेक्सिबल। सो जैसे हमारा ज्वेलरी प्लेस होता है, हमारा ऑलरेडी ऐप कनेक्टेड है, हम कैमरा आइकन पे क्लिक करेंगे और शूटिंग स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, अब मैं अपने फोन को यहां प्लेस करूंगा, वाह ज्वेलरी एकदम ज्वेलरी एकदम अच्छे से सेट हो गई है। मैं इसको जूम करके जरा अच्छे से एकदम सेंटर में ले आऊंगा। ये जो ब्लैक कलर का बॉक्स देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट, कोशिश कीजिएगा उसके बीच में हमारी ज्वेलरी आए, ताकि आप जब 360 डिग्री को टर्न करें सो आपका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे से आए। टर्न होते समय ऐसा हो सकता है कि आपकी ज्वेलरी थोड़ी साइड में खसक जाए अगर आपका सेंटर में प्लेस नहीं किया है। तो सेम जैसे कि मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में बताया था, मैं वापस बताऊंगा, इसमें हमें एडजस्टमेंट्स के ऑप्शन मिलते हैं, बैकग्राउंड का एडजस्टमेंट, टोन एडजस्टमेंट, शार्पनेस एडजस्टमेंट, ये सब चीजें हम चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ये बैकग्राउंड का एडजस्टमेंट चेंज कर सकते हैं, पूरा जो बैकग्राउंड है आपका एकदम क्लीन वाइट हो जाएगा। ज्वेलरी के टोन को भी एडजस्ट कर सकते हैं, आप कोई भी ज्वेलरी को पुराने से पुरानी और नई से नई दिखा सकते हैं, बट ऑफ कोर्स आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। शार्पनेस भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगेन वी हैव फिल्टर ऑप्शंस, वाइट बैकग्राउंड का फिल्टर है, और साथ ही साथ अभी ये वाइट बैकग्राउंड मैंने इसलिए सिलेक्ट किया बिकॉज अभी हम मैक्रो या एक्लिप्स यूज नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल वाइट बैकग्राउंड यूज कर रहे हैं। तो वाइट बैकग्राउंड पे हमें क्लिक करना है फिल्टर्स में और फिर एडजस्टमेंट्स करने हैं। ये देखिए ब्यूटिफुल, परफेक्ट। अब जैसे आपको लगता है आपका ज्वेलरी एकदम अच्छे से सेट हो गया है, आप इसका एक फोटो भी ले सकते हैं, जैसे कि ये फोटो रेडी, सेव कर दीजिएगा। सेव करना बहुत जरूरी है बिकॉज अगर आपने सेव नहीं किया आपका फोटो या वीडियो डिलीट हो जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। एंड वी गो फॉर द वीडियो। अब वीडियो में जाएंगे वापस, अगर आपको लगेगा सेटिंग्स में थोड़ा चेंजेस करने हैं, सेटिंग में चेंजेस किया, टोन में चेंजेस किए, अगेन नाउ सेटिंग्स में हमारे पास तीन एंगल ऑप्शन और दो स्पीड ऑप्शन है, 360, 90, 45, ये एंगल ऑप्शन, एंड स्पीड में भी ऑप्शंस मिलते हैं स्लो एंड फास्ट। तो ये दोनों चीजों के ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल है। आप इसको 360 डिग्रीज पे स्लो मोशन पे स्टार्ट कर दीजिए। इसका मिनिमम लिमिट 15 सेकंड्स का वीडियो है और मैक्सिमम 30 सेकंड्स। डायमेंशंस हमेशा स्क्वायर रहेंगे, और अगर आपका फोन एलिजिबल भी है तो 4K क्वालिटी में भी वीडियो शूट करके देता है। ये 4K अवेलेबल नहीं भी है तो 1080p इज मोर देन एनफ, आपको आपका जो आप क्वालिटी है वो बहुत ही अमेजिंग आएगा। साथ ही साथ इमेजेस में भी 300 dpi की क्वालिटी की इमेजेस मिलती है, और बहुत सारे फीचर्स हैं आपको बताते जाऊंगा। अब ये देखिए, ये हमारा अभी जो वीडियो शूट हो रहा है उसी बीच में अगर आप ये जूम पैनल देखेंगे, आप अपने ज्वेलरी में शूट करते दौरान वर्चुअली जूम इन कर सकते हैं एंड जूम आउट भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये भी मैं आपको करके दिखाता हूं। ये पहले मैं सेव कर लेता हूं बिकॉज आपको दिखाना होगा। सेव्ड, एंड वी गो फॉर अनदर वीडियो, बैकग्राउंड्स एंड टोन को एडजस्ट करके, सेटिंग्स 90 डिग्री एंड फास्ट, लेट्स गो फॉर दी सेटिंग्स। रिकॉर्ड बटन पे प्रेस किया। अब ये देखिए, मैं वर्चुअली जूम इन करूंगा, धीरे से ज्वेलरी का डिजाइन दिखाऊंगा, स्टोन्स कितने हैं, कितने कैरेट्स है, एक्सप्रेस है जो भी, और उसको वापस जूम आउट करके छोड़ दूंगा, वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट पोजीशन पे आ गया। सो ये सारे फीचर्स आपको काम आएंगे। प्लस आप अपने कंपनी का लोगो डाल सकते हैं, एक टाइम पे दो लोगोस डाल सकते हैं, दूसरा वॉटरमार्क डाल सकते हैं ताकि आपका एक बोलते ना सिक्का लग जाए, ठप्पा लग जाए कि ये आपका वीडियो है। थर्ड, आप कैप्शन लिख सकते हैं, इतने कैरेट का है, ये प्राइस है, ये शेप है, एक्स वाई जेड, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन डालना है कैप्शन उसी के उसी वीडियो में लिख सकते हैं। और फोर्थ द बेस्ट थिंग, म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं। सो लोगो एंड म्यूजिक आपके मोबाइल में ऑलरेडी होना चाहिए, तो आप सिलेक्ट करके उस वीडियो में ऐड कर सकते हैं। और कैप्शन आप अपने मर्जी से हर वीडियो के लिए अलग अलग लिख सकते हैं। जो लोगो और वॉटरमार्क है वो आपको सिर्फ एक बार सेट करना है, उसके बाद के जितने वीडियोस होंगे वो सारे के सारे वीडियोस में ऑटोमेटिकली लोगो और वॉटरमार्क एक ही बार सेट होकर आ जाएगा, और वही जगह पे सेट होकर वीडियो आपका निकलते जाएगा। सो ये बहुत सारे कुछ फीचर्स हैं जिसमें मैं आपको एक्लिप्स भी यूज करके दिखाऊंगा
कि एक्रिलिक कैसे यूज करते हैं और कैसे उसको सेट करते हैं। सो ये देखिए, अभी हम गैलरी में जाएंगे, गैलरी में से ये रिंग मैंने जो शूट की है बहुत ही प्यारी आई है। सो अब ये तो गैलरी है ऐप के अंदर की, अभी आपको अपने फोन की गैलरी में चाहिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे सेव वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आपका गैलरी में आ जाएगा। आपका अगर एंड्रॉइड फोन है तो ऑफकोर्स आप सेव टू गैलरी कर दीजिए, आपका गैलरी में आ जाएगा। फिर आपको जिसको भी सेंड करना आप कर सकते हैं। प्लस SKU का फीचर है, SKU इज स्टॉक कीपिंग यूनिट। स्टॉक के हिसाब से आप अपने बैच वाइज भी ज्वेलरीज निकाल सकते हैं। और लिंक फीचर का तो मैंने आपको बता ही दिया कि लिंक फीचर आपको कोई भी गूगल ड्राइव या iCloud में अपलोड करने की जरूरत नहीं, यहीं पर लिंक पे क्लिक कीजिए, आपका लिंक बन जाएगा और आपका ज्वेलरी का डिजाइन आप क्लाइंट्स को भेज सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे फीचर्स लिख के दे दूंगा, आप आराम से पढ़िएगा और बताइएगा कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में। So, ये तो हो गया हमारा व्हाइट टर्न टेबल के साथ जेमलेट बॉक्स। अब हम स्टार्ट करेंगे जेमलेट बॉक्स एक्लिप्स के साथ। सो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्लिप्स कैसे यूज करते हैं। और मैंने इस बॉक्स में से मेरा एक्लिप्स का अटैचमेंट निकाल के रख लिया है ऑलरेडी, ये देखिए। अब इसको यूज कैसे करना है, आप अपना रिफ्लेक्टर पैनल निकालिए, ज्वेलरी भी निकाल दीजिए और ये जो टर्न टेबल देख रहे हैं इसको, इसको जो डिस्क है वो उठा के बाहर निकाल दीजिए। ये मैग्नेट्स पे है, सो आप चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अरे ये निकल कैसे जाता है, टूट तो नहीं जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, इसी के लिए बॉक्स बनाया है। सो ये देखिए, अब मैं ये क्या करूंगा, मैं ये बंद करूंगा अटैचमेंट को, ऐसे का ऐसी सीधा अंदर पेस्ट कर दूंगा और जो टेबल है उसके ऊपर फिट कर दूंगा। जैसे ही फिट हो जाता है मैं इसके लिड को ओपन करूंगा इस तरह और नीचे के डिस्क को घुमाने लग जाऊंगा। जैसे घूमकर मैग्नेट अपने आप पकड़ लेगा आपको फील हो जाएगा ये मेरा हो गया अटैचमेंट। अब ये ज्वेलरी को आप वापस सेंटर में प्लेस कीजिए, सेंटर की मार्किंग दी हुई है ऑलरेडी, और लेड को भी प्लेस कर दीजिए। अब अपने ऐप में जाइए, जेमलेट बॉक्स ऐप ओपन कीजिए, हमारा टेबल ऑलरेडी कनेक्टेड है। आप कैमरा आइकन पे क्लिक करेंगे, फिल्टर्स पे क्लिक करेंगे और एक्लिप्स जरूर प्रेस करेंगे क्योंकि अभी हम एक्लिप्स फिल्टर यूज कर रहे हैं तो एक्लिप्स इज वेरी नेसेसरी टू बी सिलेक्टेड। अब मैं अपना कैमरा यहां पर प्लेस करूंगा, मेरे ज्वेलरी के एंगल को जैसी मेरा ज्वेलरी का एंगल परफेक्टली सेट हो जाता है मैं इसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकता हूं। आपको शैडो एकदम हल्का चाहिए तो इसको कम भी कर सकते हैं, थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हैं। जैसी हो जाए अगेन वी कैन गो फॉर वीडियो 45 डिग्री स्लो मोशन एंड शूट, आपका वीडियो रेडी। एक्लिप्स फिल्टर इतना आसानी से अटैच भी हो जाता है और इसका जो रिजल्ट है वो भी बहुत ही बढ़िया आता है। मेजरली रोज गोल्ड ज्वेलरीज जो होती है वो ब्लैक के ऊपर या प्लैटिनम ज्वेलरीज या ज्वेलरी जिसके ऊपर डायमंड्स है तो वो रिफ्लेक्ट होकर बहुत ही अच्छा दिखता है। किसी किसी को अपने प्रोडक्ट्स में आर्टिफिशियल शैडो डालने की बहुत जरूरत पड़ती है बिकॉज एडिटिंग में बहुत टाइम चल जाता है, बट ये ग्लॉसी होने की वजह से नेचुरली शैडो देता है हमारे आउटपुट में। और आपको कहीं पे भी कभी भी किसी भी एडिटर को या कोई भी एक एक्स पर्सन को जो ऑलरेडी टाइम लगाएगा और मनी भी चार्ज करेगा वो सब की जरूरत नहीं। दिस इज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो आप एक ही बार करेंगे और आपको किसी भी फोटोग्राफर या किसी भी एडिटर को हायर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ऑफकोर्स आप ज्वेलरी की डिजाइन निकालते जाएंगे आपको हर 3 मंथ्स में आपको फोटोग्राफर की या एडिटर की जरूरत पड़ती होगी, बट इसमें आपको कोई भी पर्सन की जरूरत नहीं है। आप खुद भी आपका कोई एक पर्सन एक एक्स पर्सन भी जो नॉर्मली आपके कोई डेटा का काम करता है वो भी विदाउट ट्रेनिंग ये प्रोडक्ट को यूज कर सकता है। तो आपको कहीं पे भी ऐसे हायर करने का जरूरत नहीं, ना ही कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, ट्रेनिंग के बिना ही आप अपने बॉक्स को यूज कर सकते हैं।
तो अब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जेमलाइट बॉक्स जो पिकपीडिया का प्रोडक्ट है उसके अटैचमेंट आता है दैट इज द एरियल, वो कैसे यूज करते हैं और इसके बॉक्स में क्या क्या आता है। तो इसके बॉक्स में आता है ये दो चीजें, एक है द मेन मोटर, दूसरा ये टॉप का एक डायमंड शेप्ड अटैचमेंट, और तीसरा ये बॉक्स जिसके अंदर आपको मिलते हैं अलग अलग साइजेस के अटैचमेंट्स। सो अब मैं आपको बताता हूं कि इसको यूज कैसे करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक डैंगलिंग ज्वेलरी है जो मेन ऑफ कोर्स डैंगलिंग ज्वेलरी के लिए ये अटैचमेंट है, तो उसको यूज करेंगे। इसमें आता है आपको एक आता है द मेन स्टैंड, एंड उसके साथ में आता है ये सारे काफी सारे अटैचमेंट्स डिफरेंट विथ एंड लेंथ के साथ। सो अगर आप देखेंगे तो कुछ अटैचमेंट्स के लॉन्ग नेक है और विथ शॉर्ट है, कुछ का लॉन्ग विथ लॉन्ग नेक दोनों, एंड ऐसी प्रोबेबिलिटी में चार आपको अलग अलग एंगल, चार आपको अलग अलग अटैचमेंट्स मिलते हैं, सेम ब्लैक कलर में भी मिलेगा। अब हमें करना क्या है कि जब भी आप कोई भी अटैचमेंट यूज कर रहे हो तो आपको याद रखना है कि आपका ये जो साइज है ज्वेलरी का वो किसमें ज्यादा बेटर लगेगा। ऑफकोर्स ये धीरे धीरे आप अपने जब प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि अच्छा ओके इसका इतना लेंथ है तो मुझे ये वाला अटैचमेंट लेना चाहिए, एंड दिस इज हाउ यू गोना लर्न। सो अब मेरा ये डैंगलिंग ज्वेलरी है, साइज मीडियम है, तो मैं क्या कर रहा हूं, नेक छोटा ले रहा हूं, विड्थ ज्यादा ले रहा हूं। सो इसमें अगर आप देखेंगे तो दो होल्स है, इन दो होल्स के अंदर आपको अपनी इयररिंग्स को इस तरह से फिट कर देना है और यहां पे पीछे से लॉक कर देना है। सेम दूसरी इयररिंग के लिए ऑफ कोर्स ये हो गया फिट, टाइट रखिएगा ताकि जब ये 360 डिग्री घूमे तब इयररिंग फिसल ना जाए, मतलब वो आपके अलाइनमेंट से हिल ना जाए। ये अटैचमेंट को मैं ये मेन अटैचमेंट में इसमें अटैच करूंगा इस तरीके से यहां पे। अब ये अटैचमेंट आपका ये मेन मोटर पे लगेगा इस तरीके से मैग्नेट के साथ, ये हो गया आपका एरियल रेडी। अब एरियल को इंस्टॉल कैसे करना, बहुत ही सिंपल है, आपको ये हमारा जनरेट बॉक्स को बंद करना है, अंदर ये जो टेबल है उसको आप निकाल के साइड में रख लीजिए। अब ये जो वायर है वो लगेगी यहां इस इनपुट में, जस्ट टू मेक इट इजी आपको करना क्या है, ये इनपुट को बाहर की तरफ रखिए, तो ये जो डायमंड है ये निकल जाएगा और ये जो मैग्नेट वाला डायमंड है वो इसके ऊपर चिपकेगा। तो मैं लगाना कैसे है, इस तरीके से मैं सिर्फ एरियल को अंदर इंसर्ट करके जो मैग्नेटिक वाला डायमंड है उसके ऊपर ऐसे चिपका दूंगा, आपका एरियल लग गया। अब ये जो वायर अंदर है आपको इसके साथ एक एक्स्ट्रा वायर भी मिलेगी, ये आपके लिए एक्स्ट्रा है, पर ये जो टर्न टेबल वाली वायर है वो आप इसके ऊपर यहां पर इस तरह से लगाएंगे, ये लग गया वायर। जैसे आपको एरियल वायर से लगा देंगे आप ऑन बटन प्रेस कीजिए, ऊपर अगर आप देखेंगे यहां पर लाइट चल रही है, दैट मींस कि आपका एरियल परफेक्टली इंस्टॉल हुआ है। ये तो हमारे पास रेडी है ही, इसमें अब आपको सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से अटैचमेंट को लगा देना है और इस तरीके से आपका एरियल हो गया तैयार। तो अब हमने हमारा अटैचमेंट एरियल पे लगा दिया है, अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे जेमलाइट बॉक्स ऐप में जाएंगे। जेमलाइट बॉक्स ऐप में जाने के बाद अगर आप देखेंगे तो ब्लूटूथ पे हम क्लिक करेंगे, अब जब ब्लूटूथ पे क्लिक करेंगे तब स्कैन करके जेमलाइट बॉक्स में दिखाएगा, फिर दिखाएगा एरियल, एरियल करके आपको नाम आ जाएगा या तो कोई नंबर है, दैट इज द अटैचमेंट एरियल का। मैं टैप करूंगा, टैप करके टिक मार्क आ गया, मतलब आपका एरियल कनेक्ट हो गया। क्या करेंगे, सेम प्रोसेस जैसे आपने पहले भी देखा, कैमरा में जाऊंगा, कैमरा में जाकर मैं मेरे फोन को इस तरीके से प्लेस करूंगा यहां पे। फोन का एंगल सेट करने के बाद मैं मेरे रिफ्लेक्टर पैनल को बंद कर दूंगा, ये देखिए
अब मैंने अपने इयररिंग को प्रॉपरली फ्रेम में सेट कर दिया। टैप टू फोकस करने के बाद मुझे जो भी एडजस्टमेंट्स करने मैं वो कर सकता हूँ और इसका स्टिल फोटो भी ले सकता हूँ कैमरा बटन पे प्रेस करके। ये आ गया मेरा स्टिल फोटोग्राफी। सेव मीडिया करके मैं इसको अपने गैलरी में सेव कर सकता हूँ। फिर वीडियो में जाकर मैं अपना एंगल सिलेक्ट करूंगा, जो भी एंगल मुझे चाहिए। सो आई कैन गो फॉर 45 एंड फास्ट। ये सिलेक्ट करने के बाद आई जस्ट प्रेस रिकॉर्ड बटन। अब आप देखेंगे तो ज्वेलरी ऑटोमेटिकली 45 डिग्री पे घूमेगी और वापस 45 डिग्री पे इस तरफ घूम के इनिशियल पोजीशन पे आके रुक जाएगी। ये हो गया आपका इयररिंग्स का वीडियो रेडी। सेव मीडिया पे क्लिक कीजिए एंड यू आर गुड टू गो। सो इस तरीके से हमारा एक्लिप्स यूज होता है, हमारा जेमिनाई बॉक्स यूज होता है। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरीज है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं इसका इसकी जो फीचर्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा और जो भी इसके एक्सटर्नल चीजें हैं, हमारा जो प्रोडक्ट का लिंक है, मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप हमारा ये प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं www.mehta.tools से। अगेन एज यू एंड वी नो बेस्ट प्राइजेस हमारे वेबसाइट पे मिलने वाले हैं फॉर श्योर। सो इसका कोई सेकेंड डाउट है नहीं। प्लीज हैव अ लुक ऑन द वेबसाइट एंड द प्रोडक्ट। आपको डेफिनेटली ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आएगा। आप प्लीज बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लिखिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।